हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं कुकीज बनाने जा रही हूँ बिना बेकिंग सोडा और बिना बेकिंग पाउडर के। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत ही अच्छे ये कुकीज हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसे बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम कुकीज, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। बिना बेकिंग सोडा बिना बेकिंग पाउडर के स्पेशल कुकीज बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी बेसन, आधा से कम मैंने लिया है मैदा और दो चम्मच मैंने लिए हैं रवा, रवा मीन सूजी। तो ये क्वांटिटी जो है सबसे ज्यादा है बेसन की, उससे कम क्वांटिटी है मैदे की और सबसे कम क्वांटिटी है सूजी की। ये थोड़ा सा मैंने दूध ले लिया है और ये लिया है बिल्कुल थोड़ा सा इलायची पाउडर, बादाम ये मैंने क्रश कर लिए हैं और ये पिस्ता लिया है। आप ड्राई फ्रूट में अपनी मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ये मैंने आधा कटोरी लिया है, जितनी क्वांटिटी मेरी बेसन की है उससे थोड़ी सी कम क्वांटिटी मैंने लिया है पाउडर शुगर। आप पूरा डो बनाने के बाद चेक भी कर सकते हैं और शुगर और भी मिला सकते हैं। और ये मैंने चार चम्मच लिए हैं देसी घी, जितना मैंने बेसन लिया है उतना ही वेट ये देसी घी का है, मैंने लगभग ये बराबर लिया है। तो आप इसे थोड़ा बहुत कम या ज्यादा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हम इसे बनाएंगे कैसे। एक मैंने बाउल लिया है, बड़े बाउल के अंदर डाल देंगे हम देसी घी, देसी घी के अंदर हम डालेंगे पाउडर शुगर। इन दोनों चीजों को मैं अच्छे से हाथ से मिक्स करूंगी। आप देख रहे हैं, आप देसी घी की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। इसे मिक्स करने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा हम इसे मिक्स इस तरह करेंगे कि फ्लफी सा हो जाए थोड़ा। इतना हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही हमारा जो बिस्किट है वो सॉफ्ट बनेगा। आप देख रहे हैं कि जो है शुगर और घी किस तरह से मिक्स हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, बहुत फ्लफी हो गया ये। तो इतनी ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। इसे इस तरह से मिक्स करने में 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। अब इसके अंदर हम मिक्स करेंगे बेसन, मैदा और रवा। तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद हमने इसका एक डो तैयार करना है। आप देख रहे हैं जो मेजरमेंट मैंने दी है, आप उसी मेजरमेंट के मुताबिक अगर बनाएंगे तो आपका डो बहुत अच्छा तैयार होगा। 1% आपसे कोई चीज कम या ज्यादा पड़ जाती है तो आपने क्या करना है, इसमें दूध या पानी मिक्स नहीं करना। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका डो तैयार नहीं हो रहा तो आप उसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं, बट अगर मेजरमेंट यही रखेंगे तो आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होगी। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे जो डो है वो तैयार होना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं कि डो कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब इस टाइम हम इसके अंदर मीठा जो है चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है मीठा, इसमें कम या ज्यादा नहीं है। इसके अंदर मैं इलायची पाउडर भी मिक्स कर दूंगी, इलायची पाउडर डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं आप तब भी इलायची पाउडर डाल सकते हैं, मैंने इसमें बाद में डाला है। ये हमारा डो तैयार हो चुका है। ये मैंने इडली मेकर के अंदर नमक डाल दिया है, आप रेत भी डाल सकते हैं, और इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। मैं इडली स्टैंड के अंदर आज कुकीज बना रही हूँ, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे। मैंने ये इनको थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर लिया है। ये मैंने छोटा सा गोल पेड़ा बना लिया है, आप देख रहे हैं, और इसको मैंने ये शेप दे दी है गोल। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाया मैंने क्योंकि थोड़ा सा ये फूलेगा अभी। और मैं सारे इस तरह से लोइयां बना के रख लेती हूँ। ये हमने कट लगा दिया है, आप देख रहे हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे इस तरह से दूध, ये दूध हमने इसलिए लगाया है ताकि ये क्रिस्पी बने ऊपर से, और ऊपर हम रखेंगे ड्राई फ्रूट। आप चाहें तो कट ना लगाएं, प्लेन भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। इसी तरह से सब पे हम कट लगाएंगे इस तरह से, और ब्रश के साथ हल्का हल्का दूध लगाएंगे और इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट रखेंगे। इसी तरह से हमने सारे तैयार कर लेने हैं। कुकर जो है हमारा प्री हीट हो चुका है, इसके अंदर हम इडली स्टैंड को रख देंगे इस तरह से, और हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। ये हमने इडली मेकर को बंद कर दिया है और फ्लेम जो हमने बिल्कुल लो कर दी है। आप चाहें तो आप सिंपल कुकर के अंदर भी इडली स्टैंड रख के बना सकते हैं, बट उसकी विसल को उतारना है और रबड़ को उतार के रखना है।
कुकर को हमने बंद कर दिया है, इसे हम 25 से 30 मिनट के लिए इसके अंदर रखेंगे, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। 5-10 मिनट ज्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं। 30 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कुकीज जो है हमारे बनकर तैयार हैं, साइड जो किनारे हैं वो रेडिश में हो गए हैं और नीचे वाले किनारे तो बहुत ज्यादा अच्छे कलर आया है। ऊपर के किनारों में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, बट तैयार ऊपर के भी हैं। तो इसे हमने क्या करना है, 5 मिनट के लिए ऐसे ही इसे ढक के रखेंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है, 5 मिनट हो गए हैं, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। एकदम से गर्म इसे नहीं निकालना क्योंकि गर्म के अंदर ये बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, तो गर्म के अंदर ये टूट जाते हैं। थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे हम। आप देख रहे हैं कि कलर इनका कितना अच्छा आया है और बहुत ही अच्छी कुकीज बनके तैयार हुए हैं। इन्हें बनाने में हमें 30 मिनट लगे हैं, आप अपने हिसाब से टाइम को देख सकते हैं, 2-4 मिनट का ऊपर नीचे भी हो सकता है टाइम। अभी ये ठंडे नहीं हुए, तो जब ये ठंडे होंगे तो इसमें से बहुत ही आराम से ये निकल आएंगे। एकदम गर्म को अगर हम छेड़ते हैं तो ये सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि ये खताई की तरह बने हैं तो सॉफ्ट होने के कारण ये टूट सकते हैं, बट ठंडे होने पे बड़े आराम से उतर आएंगे। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप किसी भी कुकर या कढ़ाई के अंदर इसी तरह से नमक डाल के किसी स्टील की थाली के अंदर भी इसे ग्रीस करके उसके अंदर भी ये बना सकते हैं। ठंडे होने पे ये बहुत ही आराम से उतर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा ये बेक हुआ है, बहुत ही अच्छा दोनों तरफ से कलर आया है, बहुत ही इजीली ये उतर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। कुकीज बहुत अच्छे बनके तैयार हुए हैं, तो आप इसे ट्राई जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।